चलिए पहला सवाल देखते हैं कि 19 दिसंबर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ, जिसको आप ITF बोलते हो, ने किस पुरुष टेनिस खिलाड़ी और महिला टेनिस खिलाड़ी को वर्ष 2019 का ITF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ विश्व चैंपियन चुने जाने की घोषणा की है। तो पुरुष टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल हैं, जो कि स्पेन से संबंधित हैं, और इनको लगातार चौथी बार ITF विश्व चैंपियनशिप चुने जाने की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के द्वारा की गई है। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की एसले बार्टी को ITF विश्व चैंपियनशिप चुने जाने की घोषणा की गई है वर्ष 2019 का। अब यहाँ पर देखिए दो सवाल और महत्वपूर्ण बनते हैं। एक तो नाम पूछ लिया जाता है कि राफेल नडाल किस खेल से संबंधित हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये टेनिस जगत से संबंधित हैं, टेनिस खेल से संबंधित हैं, और वहीं पर एशले बार्टी जो है वो भी टेनिस खिलाड़ी हैं, टेनिस खेल से संबंधित हैं। अगला है कि दिसंबर 2019 में फीफा द्वारा जारी पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में बेल्जियम शीर्ष पर है। ध्यान रखिएगा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में बेल्जियम शीर्ष पर है, ना कि महिला फुटबॉल रैंकिंग में। इस रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम किस स्थान पर है, तो भारतीय फुटबॉल टीम जो है वो 108वें स्थान पर है। और अगला है कि 11 दिसंबर 2019 को फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 किसे क्रमशः पुरुष और महिला स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी कि पुरुष और महिला दोनों को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो पुरुषों में निशानेबाजी से संबंध रखने वाले सौरभ चौधरी हैं, और वहीं पर रानी रामपाल जो कि हॉकी खेलती हैं, इनको स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। अगला है कि 11 दिसंबर 2019 को फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा पंकज आडवाणी, जो कि क्यू खेल से संबंधित हैं। नेक्स्ट है कि 12 दिसंबर 2019 को देखिए वही सवाल है, टेनिस महासंघ ने किस महिला खिलाड़ी को 2019 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा एशले बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। 19 दिसंबर 2019 को कोलकाता में आयोजित IPL 2020 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन रहे हैं, तो सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं पैट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स टीम से खेलते हैं, और 15.5 करोड़ रुपये में ये बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। IPL 2020 की नीलामी में सबसे महंगे 6.75 करोड़ में बिकने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं, तो भारतीय खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग्स के पीयूष चावला हैं। और अगला है कि IPL नीलामी 2020 में बिकने वाले सर्वाधिक उम्र के खिलाड़ी कौन हैं, तो सर्वाधिक उम्र के खिलाड़ी कोलकाता नाइट राइडर्स के प्रवीण तांबे हैं। और नेक्स्ट है कि 8 दिसंबर 2019 को मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में संपन्न रेवेटन मास्टर्स स्नूकर्स 2019 का खिताब भारतीय क्यू खिलाड़ी सौरव कोठारी से ने किसे पराजित कर जीता, तो भारतीय क्यू खिलाड़ी सौरव कोठारी ने लोहल यंगर, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, उनको पराजित करके इस खिताब को जीता है, जिसका नाम है रेवेटन मास्टर्स स्नूकर। और अगला है कि 21 दिसंबर 2019 को संपन्न बिग बाउट इंडियन बॉक्सिंग लीग 2019 के पहले संस्करण का खिताब गुजरात जायंट्स ने किसे पराजित कर जीता, तो इसका उत्तर होगा पंजाब पैंथर्स। और इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि हाल ही में 21 दिसंबर 2019 को संपन्न बिग बाउट इंडियन बॉक्सिंग लीग 2019 के पहले संस्करण का खिताब किसने जीता, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा गुजरात जायंट्स। अगला सवाल देखते हैं क्या है, और नेक्स्ट है कि 8 दिसंबर 2019 को कनाडा के मारखम में संपन्न टेबल टेनिस प्रतियोगिता, जिसका नाम ITF चैलेंज प्लस है, इसके बैनमैक्स बिरगो नॉर्थ अमेरिकन ओपन खिताब 2019 का अंडर 21 पुरुष एकल वर्ग का किसने जीता, तो इसका उत्तर हो जाएगा मानव ठक्कर, जो कि भारत से है। एक बार सवाल को यहाँ पर समझना जरूरी है। देखिए ITF चैलेंज प्लस एक टेबल टेनिस प्रतियोगिता है, तो इस प्रतियोगिता के माध्यम से एक खिताब है जिसका नाम है बैनमैक्स बिरगो नॉर्थ अमेरिकन ओपन, जो कि कनाडा के मारखम में संपन्न हुआ, तो यहाँ पर अंडर 21 पुरुष एकल वर्ग का ये खिताब किसने जीता है, तो इस खिताब को जीतने वाले हैं मानव ठक्कर, जो कि भारत से संबंध रखते हैं, भारत के हैं। अगला है कि 17 दिसंबर 2019 को ICC द्वारा घोषित ICC महिला एक दिवसीय टीम ऑफ द ईयर और T20 टीम ऑफ द ईयर दोनों में से कौन सी भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं, तो टीम ऑफ द ईयर भी और T20 ऑफ द ईयर दोनों में जो है स्मृति मंधाना को शामिल किया गया है, यानी कि ये दोनों के दोनों जो है खिताब जो एक प्रकार से है इस खेल का, क्रिकेट का, वो स्मृति मंधाना को प्राप्त हुआ है। 9 दिसंबर 2019 को वसीम जाफर रणजी ट्रॉफी में 150 मैच खेलने वाले भारतीय पहले खिलाड़ी बने हैं, पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं, यह उपलब्धि उन्होंने किस टीम के विरुद्ध हासिल की, तो इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश रणजी टीम। इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि 9 दिसंबर 2019 को हाल ही में रणजी ट्रॉफी में 150 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा वसीम जाफर, और इन्होंने आंध्र प्रदेश रणजी टीम के खिलाफ ये सफलता हासिल की है। दिसंबर 2019 में नेपाल में संपन्न 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में मालदीव के विरुद्ध महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इस खिलाड़ी ने बिना कोई रन दिए 6 विकेट हासिल कर एक नया रिकॉर्ड बनाया, तो इसका उत्तर हो जाएगा अंजलि चंदा, जो कि नेपाल से ही हैं। वर्ष 2020 में वेस्टइंडीज के किस पूर्व क्रिकेट कप्तान को इस खेल में उनके योगदान हेतु नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई, तो क्रिकेट में उनके योगदान को क्लाइव लैड को नाइटहुड की प्रदान की गई, और अगर किस देश से पूछा जाए ये संबंधित हैं, तो इनका संबंध होगा वेस्टइंडीज से। दिसंबर 2019 में ऑस्ट्रेलिया की
किस तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया की पीटर सिडल नाम के तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 24 नवंबर 2019 को ताइचुंग चीनी ताइपे में संपन्न अंडर 19 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2019 में भारतीय पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने 28 पदक जीते हैं, जिसमें से 13 स्वर्ण है, 14 रजत है और एक कांस्य है। एक बार इस कुश्ती का नाम ध्यान रखना है, इसका नाम है अंडर 15 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, जो कि ताइचुंग में संपन्न हुआ है, चीनी ताइपे में, ताइचुंग चीनी ताइपे में संपन्न हुआ है। और अगला है कि 23 नवंबर 2019 को चीन में संपन्न ISSF विश्व कप निशानेबाजी फाइनल्स 2019 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष रहा है? तो पदक तालिका में शीर्ष पर रहने वाला देश है भारत, जिसने 3 स्वर्ण पदक हासिल किए हुए हैं। और नेक्स्ट देखते हैं कि 6 दिसंबर 2019 को किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने वर्ष 2020 में ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है? यहाँ पर खिताब का नाम जरूर ध्यान में रखना है, नाम है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। इसके एक खिलाड़ी जो कि डेनमार्क से संबंध रखती हैं, महिला टेनिस खिलाड़ी हैं, जिनका नाम है कैरोलिन वोजनियाकी, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने के बाद में संन्यास लेने की घोषणा की है। मान लीजिए मिलान करने के लिए दे दिया जाए कि कैरोलिन वोजनियाकी तो एक तरफ दे दिया जाए डेनमार्क, तो डेनमार्क से इनका मिलान होगा, यानी कि डेनमार्क से इनका संबंध है। दिसंबर 2019 में किस भारतीय क्रिकेटर को भारत में स्पेनिश शीर्ष डिवीजन लीग ला लीगा का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा रोहित शर्मा। नवंबर 2019 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ने आधिकारिक तौर पर अपना नाम परिवर्तित कर दिया है, और इसका नाम परिवर्तित करके हो गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स। पहले इसका नाम क्या था? तो पहले इसका नाम था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाली भारत की सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो इसका उत्तर होगा शेफाली वर्मा। 22 से 28 नवंबर 2019 को 19 के मध्य 21वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2019 कहां आयोजित हुई? तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित हुई है। 15 नवंबर 2019 को संपन्न विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत 2 स्वर्ण पदक सहित 9 पदक जीतकर पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 24वें स्थान पर, यानी कि भारत 24वें स्थान पर रहा, जहां पर भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं और कुल मिलाकर के 9 पदक जीत हासिल की है, और इसका खेल का नाम है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। 10 नवंबर 2019 को फ्रांस ने किस देश को पराजित कर फेड कप, जिसका नाम प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय महिला टेनिस प्रतियोगिता है, 2019 का खिताब जीता है। तो फेड कप भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पराजित करके जीता है। नवंबर 2019 में किस भारतीय महिला एथलीट को प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका की 100 नेक्स्ट सूची में शामिल किया गया है? तो दूती चंद को 100 नेक्स्ट सूची में शामिल किया गया है। 10 नवंबर 2019 को भारत बांग्लादेश के मध्य संपन्न 3 T20 मैचों की श्रृंखला, जिसे भारत ने 2-1 से जीत लिया, इस T20 श्रृंखला में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया? तो दीपक चाहर को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। 10 नवंबर 2019 को संपन्न भारत बांग्लादेश के मध्य आयोजित 3 T20 मैचों की श्रृंखला में किस भारतीय गेंदबाज ने हैट्रिक प्राप्त की और T20 में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय पुरुष गेंदबाज बन गए हैं?